विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नागौर जिले में लगाए जा रहे शिविरों में आमजन को केंद्र सरकार की योजनाओं से गांव और ढाणी तक लाभान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ पाकर लोगों की जिंदगी आसान बन रही है। इसके लिए लाभार्थी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में सफल साबित हो रही है। गांव ढाणियों तक में रहने वाले आम लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिन लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, वे मोदी सरकार का तहे दिल से आभार जता रहे हैं। नागौर के पदमपुरा पंचायत मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में आई महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी मिली और उन्हें गैस कनेक्शन की सौगात दी गई। देखो, पहले चूल्हा पर रोटी बनाता बड़ी ताई को नहीं, आज लकाऊ बनाओ। अब मोदी गैस दे दिया तो को दुनिया को नहीं हुए, आराम खानो बनाशिया, आराम खाशिया। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी ने। जी पहले बड़ी तो को नहीं हो, दुख पाता दुनिया में रहता, अब आराम रोटी बनावा खावा। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। चूल्हा मिल गया बड़ी ता का फोड़ा पड़ा दुनिया का मां दुख पावा आराम। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजित किए जा रहे शिविरों में लोगों को केंद्र की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार के इस प्रयास से हर वर्ग और तबका लाभान्वित हो रहा है और सुशासन की संकल्पना साकार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।